हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। श्याम रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाते हैं गणपति जी के प्रिय पसंदीदा भोग मोदक। बनाने में बहुत ही आसान सी रेसिपी है और खाने में उतने ही टेस्टी लगते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम लेंगे 2 से 2.5 चम्मच देसी घी। मोदक को आप कई तरह से बना सकते हैं, बहुत सारे टेस्ट के मोदक बनते हैं, पर अभी मैं आपको नारियल वाले मोदक बताऊंगी, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये वाले। 2.5 चम्मच घी लिया है हमने, 1 कटोरी लिया है हमने इसमें डेसिकेटेड नारियल। इसमें ये सूखे नारियल का ही यूज करेंगे हम, इसमें गीला वाला नारियल नहीं लेंगे क्योंकि हमें इसको ही बनाना है मोदक के रूप में, तो गीले वाले से वो ज़्यादा अच्छे से परफेक्ट जो है शेप नहीं आ पाता है। तो इसको हमने 1 मिनट के लिए भुना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं भुनेंगे। अब हम डालेंगे इसमें 1/2 गिलास के करीब दूध, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बाद में हम इसमें मिल्क पाउडर का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर रखा है तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा मावा भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास मिल्क पाउडर और मावा दोनों ही नहीं है तो आप दूध की क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ा दीजिए। आप इसमें 1 से 1.5 गिलास के करीब दूध डाल दीजिए तो भी आपके उतने ही टेस्टी मोदक बनेंगे, फिर आपको मिल्क पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी डालेंगे हम इसमें 4 चम्मच के करीब चीनी। चीनी हम कम ही यूज करेंगे क्योंकि मिल्क पाउडर भी मीठा ही होता है और नारियल का भी अपना एक थोड़ा सा अलग सी मिठास ही होती है, तो बहुत ज़्यादा चीनी का यूज ना करें। इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे दूध को सोखने तक। ये देखिए दूध इसने मैक्सिमम सोख लिया है। अब हम डालेंगे इसमें मिल्क पाउडर। अगर साथ साथ में आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। ये देखिए अब मिल्क पाउडर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इस रेसिपी में टाइम नहीं लगता है, ये बिल्कुल ही 10 मिनट के अंदर अंदर बन करके आपके रेडी भी हो जाएंगे मोदक, इतनी जल्दी ये बन करके रेडी हो जाती है। देखिए सारा मिल्क पाउडर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, बस इसको थोड़ा सा 1 से 1.5 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि एक डो के रूप में आ जाए हमारा, थोड़ा सा टाइट हो जाए और जैसे भी हम मोदक बनाएं तो उनका शेप बहुत अच्छा सा आ जाए। ये देखिए 1 से 1.5 मिनट के बाद में ये बहुत ही अच्छा सा डो बन करके रेडी हो गया। अब हम इसको 2 हिस्सों में निकाल लेंगे क्योंकि हम मोदक को 2 कलर का बनाएंगे। एक हमने वाइट ही निकाल लिया, दूसरे में डाल देंगे हम थोड़ा सा पिंक कलर, फूड कलर है ये। अगर आपके पास है तो डाल लें, नहीं तो आप इसको वाइट भी बना सकते हैं। थोड़ा सा क्या देखने में अच्छा लगता है, बाकी टेस्ट में कोई असर इसका नहीं होता है। तो आप कलर को भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना, बढ़िया से दबा दबा के करेंगे तो सारे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये। ये देखिए मिक्स करने के बाद में इसको हल्का सा हमने ठंडा भी कर लिया दोनों को, और ठंडा करने के बाद में बहुत ही जल्दी बन गया। 5 मिनट लगी इसको पूरे प्रोसीजर में पकने में, बहुत बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। अब हम इसको देंगे मोदक का आकार। ये मेरे पास साँचा रखा है, अगर आपके पास साँचा नहीं है तो आप इसको हाथ से भी आसानी से दे सकते हैं शेप मोदक का। ऐसे हाथ में लेके गोल गोल बना करके आगे से ऊपर से उसकी ऐसे चोंच निकाल देंगे तो मोदक का आकार ले लेगा, थोड़ा डिजाइन जैसा आप चाहे उसको दे सकते हैं। पहले हमने इसमें वाइट कलर डाल दिया है, अब हम डालेंगे इसमें पिंक कलर। स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पे किशमिश ली है, अगर आपको काजू या तो और कोई सा ड्राई फ्रूट डालना है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इसमें किशमिश डाली है और थोड़ा सा और उसमें अच्छे से ऊपर हम डाल देंगे पिंक कलर और अच्छे से दबा देंगे उंगली से ताकि पूरे मोल्ड में अच्छे से ये चला जाए। और अभी हम इसको जैसे ही खोलेंगे तो देखिए कितना बढ़िया सा ये मोदक हमारा बन करके रेडी हो गया है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। मोल्ड के साथ क्या बनाना बहुत ही आसान हो जाता है और थोड़ा सा शेप भी अच्छा आ जाता है उसका। और बाकी तो आप हाथ से भी इसको बना सकते हैं, कोई भी ज़्यादा झंझट नहीं है। बहुत ही जल्दी बन करके रेडी हो गए और गणपति जी तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। जय माता दी, जय श्री श्याम, धन्यवाद।